हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राजश्री वेट लॉस जर्नी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिस्सी रोटी की बहुत टेस्टी फैट कटर रोटी। जैसे मैंने आपके साथ पहले भी रोटियाँ शेयर की है, मैं आगे भी आपके साथ रोटियाँ शेयर करती रहूँगी। आपको उसके लिए जितना आटा लेना है उतना ही आपने बेसन लेना है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर मैजिकल मसाला डालूंगी और बारीक कटे हुए प्याज। अगर आपको बारीक कटे हुए प्याज नहीं डालने, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इसे जल्दी से इसके अंदर थोड़ा सा, अगर आप सॉल्ट फ्री में बना रहे तो इसमें सॉल्ट मत डालना। अगर अब जैसे मैं नॉर्मल बना रही हूँ, मैं थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट डाल दूंगी। इस मसाले में सब कुछ होते हैं तो मैं इसमें अजवाइन वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं करूंगी। तो अब जल्दी से इसका आटा बना लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे मैजिकल मसाला डाल दूंगी और अनियंस। अब इसका मैं आटा बना लेती हूँ। मैंने इसमें बिल्कुल जरा सा दूध मिलाया है। जब ये थोड़ा सा गुन जाता है उस टाइम आपको इसमें थोड़ा सा दूध मिलाना है। मिल्क इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जो ये रोटियां इतनी सॉफ्ट बनती है, ट्राई करके देखना। ये मुझे मेरी मदर ने बताया था कि जब भी आटा आधा हो जाए गुन के, उसके बीच में थोड़ा सा दूध डाल देना चाहिए, फिर उसको दोबारा से अच्छी तरह से गूंदना चाहिए। उसकी बहुत सॉफ्ट मिस्सी की रोटियां बनती है। फ्रेंड्स, आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हो, मैं नहीं डालती। आप इसमें मिर्ची भी डाल सकते हो, आप धनिया भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, जो चीजें आप डाल सको। मैं इसे नॉर्मल बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरा कितना अच्छा डो रेडी हुआ है। जैसे मैं इसे नीचे करूंगी, ये ऊपर की तरफ होगा। जितना अच्छी तरह हम आटे को गूंदते हैं, उसी से हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां बनती है। तो अब मैं इसकी जल्दी से आपको रोटियां बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये रोटियां बनाने से पहले मैं ऐसे हाथ में घी लगा लेती हूँ ताकि ये चिपके ना। ऐसे आपने डो ले लेना है। देखो, ये बिल्कुल भी मेरे हाथ में चिपक नहीं रहा। घी लगाने का ये फायदा होता है। अब जल्दी से इसकी बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मैं रोटी बेल लेती हूँ। तो से ही मैं इसे बिना बेलन के बनाती हूँ। और अब इसे तवा मैंने पहले ही गरम कर दिया। तवा गरम इसलिए कर लेना चाहिए, नहीं तो ये चिपक जाती है। और साथ में दाल मखनी भी बन रही है और राइस भी बन चुके हैं। अब इसे मैं तवे पे डालती हूँ। तवे पे मैंने डाल दिया है। शेप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है क्योंकि एक हाथ पे फोन था, तो हो सकता है कई बार नीचे से गोल्डन होने के बाद मैं इसे पलटती हूँ। मैंने इसे पलट दिया है, आप देख सकते हो ये कितना गोल्डन हो चुका है। और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आपने करना है, हाई पे नहीं करना, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाती है और बाहर से जल जाती है। इसे मैं पोने से ही अच्छी तरह तवे पे ही सेकती हूँ। आप देख सकते हो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा इधर से है, मैं इसको भी पका लेती हूँ। और मैंने दूसरी रोटी भी अपनी बेल ली है। आपको ऐसे ही अपनी और चपातियां बना लेनी है। फ्रेंड्स, ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी होती हैं ये रोटियां। और अगर आपने सॉल्ट फ्री डे पे करना है तो आप इसमें सॉल्ट मत डालना। जैसे आज मैंने नॉर्मल बनाई है तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट इसके अंदर डाला है। अगर आप नॉर्मल सॉल्ट फ्री में करते हो तो आप इसमें सॉल्ट मत डालना। मैंने इसे प्लेट में कर लिया और दूसरी रोटी भी डाल दी है। अब इस पे गरम गरम पे ही आपने देसी घी लगाना है। और देसी घी अच्छी तरह लगाया कीजिए, ये मत सोचा कीजिए कि इससे फैट बढ़ता है। देसी घी गुड फैट में आता है। और अगर देसी घी हम गरम गरम में लगा देते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट होती है। अब दूसरी रोटी भी हम अपनी बना लेते हैं। ये मिस्सी रोटी रेडी हो चुकी है। आपके पास जो भी सब्जी हो उसके साथ इसे खाइए। मैंने दाल मखनी बनाई है, मैं उसके साथ ही इसे खाऊंगी। ये इतनी सॉफ्ट है, आप देख सकते हो कैसे टूट रही है। ये जो दूध मैंने इसके अंदर बाद में डाला था उसकी वजह से बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है। आप ट्राई करके जरूर देखना। तो मैं आपके साथ अपनी थाली शेयर करती हूँ। आज मैं अपने बेटे की कर रही हूँ और उसकी दाल मखनी आप देख सकते हो। और उसने फरमाइश की थी, उसकी मिस्सी रोटी भी बनाई है, थोड़े से राइस भी बनाए हैं और एक अचार है, थोड़ी सी चटनी है। इसमें मैंने मिर्च नहीं डाली हुई, उसे बहुत पसंद है। साथ में सैलेड है और लस्सी है। और वो लस्सी में फैट कटर मसाला बिल्कुल नहीं पसंद करता तो मैंने नहीं डाली, इसलिए उसको प्लेन दी है। और इसमें मैंने सॉल्ट नहीं डाला है, उसको भी आदत हो चुकी है बिना सॉल्ट के दही
और लस्सी पीने की। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने बच्चों में ये आदत डालिए कि वो हेल्दी खाना खाए, ये चिप्स कुरकुरे इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहे। पहले मेरा बेटा भी खाता था, पर अब धीरे धीरे मैंने उसकी आदत बिल्कुल चेंज कर दी है। आप देख सकते हो दाल मखनी कितनी टेस्टी बनी है, और जितनी टेस्टी ये दिख रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दा कीजिए, और मुझे ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे, फिट रहेंगे और खुश रहेंगे। हैव ए नाइस डे।